हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। उधर इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला, क्योंकि मेवाड़ के एक बड़े हिस्से में भीलों की आबादी रहती थी और मेवाड़ के राजा के पक्ष में उनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। भीलों को अपनी धरती से भावनात्मक लगाव था, वो उस पर किसी अन्य को कब्जा नहीं करने देना चाहते थे। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल के साथ मैदान में उतरे थे। वो अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। मुगल शासक अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 से 10000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। वो हाथी पर सवार थे। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया। तभी उनके कुछ सहायक लोगों ने उन्हें बचने का समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 150 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि मुगल गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे, जिसको बाद में महाराणा प्रताप ने वापस जीत लिया। इस युद्ध की कहानी लगभग 4 साल पहले 1568 में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में लिखी गई थी। अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक सरल, छोटा और स्थिर रास्ता हासिल करना चाहता था। मेवाड़ राज्य उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, इसीलिए वो राणा प्रताप को या तो जीतकर या फिर अपने साथ मिलाकर मेवाड़ को अपने कब्जे में करना चाहता था। परंतु महाराणा प्रताप उसके इस मंसूबे को पूरा करने के लिए तैयार न थे। मैं अपने राज्य को गुजरात की सीमा तक बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा विचार है महाराज, आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। यह काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, इससे हमको दक्षिण पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसके लिए प्रताप को जीतना आवश्यक है। मानसिंह, तुम प्रताप से बात करो, या तो वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और अपना राज्य मेरे राज्य में मिला ले, और अगर वो ना माने तो उसके ऊपर चढ़ाई कर दो और उसका राज्य जीत लो। जी जहां पना, ऐसा ही होगा। अगर प्रताप मेरी संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा तो मैं उसके ऊपर चढ़ाई कर दूंगा और उसके राज्य को जीतकर आपके राज्य में मिला दूंगा। मेरे गुजरात तक जाने वाले रास्ते की सबसे बड़ी बाधा राणा प्रताप ही है। उसके मेवाड़ राज्य को अपने राज्य में मिलाए बिना मेरा गुजरात को जीतना सपना ही रह जाएगा। नहीं जहांपना, आप निराश मत हो, हम जल्दी ही राणा प्रताप के राज्य को आपके राज्य में मिला लेंगे और आपका गुजरात जीतने का सपना जरूर पूरा होगा। मैं कल से ही मेवाड़ को जीतने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। महाराणा प्रताप को झुकाने की सभी कोशिशें नाकामयाब होने के बाद अकबर ने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर मान सिंह को उदयपुर और डूंगरपुर के राजाओं को अपने अधीन करने के लिए एक विशाल सेना के साथ भेजा। डूंगरपुर राज्य मान सिंह की विशाल सेना के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को अपने बस में करने के लिए उदयपुर पहुंचा। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया और अकबर के राज में अपना राज्य मिला लेने के लिए कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने विरोध किया और युद्ध करने की घोषणा की। जब मान सिंह महाराणा प्रताप से मिलने के लिए मेवाड़ गया तो महाराणा प्रताप ने स्वागत के पश्चात भोजन के लिए प्रस्ताव रखा,
जिसे मानसिंह ने स्वीकार कर लिया। परंतु भोजन करने के समय महाराणा प्रताप मानसिंह के साथ भोजन करने के लिए नहीं बैठे। ये देखकर मानसिंह को अपना अपमान महसूस हुआ। भोजन करने के समय मानसिंह पूछते हैं, राणा प्रताप भोजन करने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठे हैं? राणा साहब, आप भोजन करिए, पिताजी के सर में दर्द है जिस कारण से वह आपके साथ भोजन करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेंगे। मैं सब समझता हूँ, प्रताप को हमारे साथ भोजन करने में अपमान महसूस होता होगा, इसीलिए वो हमारे साथ भोजन करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। मैं प्रताप के लिए संधि प्रस्ताव लेकर आया था, परंतु उसने मेरा अपमान किया है। प्रताप से कह देना कि अब मेरी मुलाकात युद्ध के मैदान में ही होगी। इसके बाद मानसिंह उदयपुर से वापस लौट गया। मानसिंह के खाली हाथ वापस आने पर अकबर को बहुत क्रोध आया, इसलिए उसने एक विशाल मुगल सेना को मानसिंह और आसिफ खान के साथ मेवाड़ पर फतह पाने के लिए भेजा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों की विशाल सेना और बहादुर मेवाड़ की सेना के बीच में एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मुगलों की सेना की संख्या लगभग 85,000 के करीब बताई जाती है, जबकि मेवाड़ के सैनिकों की संख्या महज 20,000 के आसपास थी। लेकिन ऐसा होते हुए भी महाराणा प्रताप ने वीरता से युद्ध किया और कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मानसिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो इतनी विशाल सेना के साथ राणा प्रताप से हार जाएगा। परंतु राणा प्रताप के चेतक ने हाथी पर बैठे मानसिंह के ऊपर इतनी जोर से छलांग लगाई कि मानसिंह को राणा प्रताप से जान बचाने के लिए हाथी के हौदे के ऊपर से ही दूसरी तरफ छलांग लगानी पड़ी। इस हमले में मानसिंह बाल बाल बच गए। तभी पीछे से दूसरे सैनिक ने राणा प्रताप के ऊपर हमला कर दिया और वो मानसिंह की जान बचाकर सुरक्षित निकाल ले जाने में सफल रहा। महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह के ऊपर इसी हमले में जहां एक तरफ मानसिंह बाल बाल बचे, वहीं दूसरी तरफ मानसिंह के महावत ने हाथी को चेतक के ऊपर हमला करने के लिए संकेत किया। महावत के संकेत से हाथी ने महाराणा प्रताप के ऊपर हमला किया, लेकिन हाथी के हमले को महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने निष्फल कर दिया। इस बचाव में चेतक को कुछ चोट भी आई। चेतक की फुर्ती से जो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को घेरने के लिए आगे आए थे, वो सब घायल हो गए और महाराणा प्रताप सकुशल बच गए। जब लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए, तब एक सरदार झाला बीदा ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उनका मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगल सैनिकों को ये लगा कि यही महाराणा प्रताप है और मुगल सैनिक सरदार झाला बीदा के साथ युद्ध में उलझ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप बच निकले। लेकिन झाला सरदार बीदा मुगलों के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए, तो मुगल सेना ने विजय का जश्न मनाना शुरू कर दिया और ये खबर फैल गई कि महाराणा प्रताप युद्ध में मारे गए। जब मानसिंह को ये पता चला, तो वो महाराणा प्रताप के मृत शरीर को देखने के लिए पहुंचा, तो उसने देखा कि ये महाराणा प्रताप नहीं, कोई और है। तब उसकी निराशा बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसने अकबर को यह वादा किया था कि वो महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर लाएगा, लेकिन वो ऐसा न कर सका। महाराणा प्रताप मुगल सेना के हाथ नहीं आए, तो इस बात को सुनकर अकबर बहुत अधिक क्रोधित हो गया। Yet despite their valiant efforts, the Rajput forces